आपके प्रति ईश्वर साक्षी है, किसी के प्रति नहीं है, आपके प्रति तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत मन से रेस्पेक्ट है, जीवन भर करूंगा और हमेशा इस नवलगढ़ को आगे ले जाने के लिए जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं चाहता हूं। आदमी आते जाते रहते हैं, आने वाली सात पीढ़ियां याद रखें कि नहीं, एक मास्टर का लड़का एमएलए बना था और उसने नवलगढ़ को ये सौगाते दी। नाम के लिए आए हैं, थप्पी आप नहीं चाहते, थप्पी आप हमेशा देते हो और कर्नल साहब ने तो इतनी बड़ी थप्पी दी है, पूनिया साहब ने तो इतनी बड़ी थप्पी दी है, बैठते मुझे इतना बड़ा शब्द बोला जो मेरे हौसले की उड़ान के लिए काफी है। इतना वादा करता हूँ, जब हेल्थ मिनिस्टर रहा पूरे राजस्थान की जनता आज भी याद करती है, और ये मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का जो आइडिया है ये भी नवलगढ़ का आइडिया है, ये भी नवलगढ़ का आइडिया है, वरना सपने में नहीं सोच सकते थे कि हम जाएंगे और हमारा इलाज फ्री हो जाएगा, हमारी जांचें फ्री हो जाएंगी, हमारा ऑपरेशन फ्री हो जाएगा। पैसे वाले के लिए तो संभव है चीजें, गरीब आदमी को जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी, ब्याज में पैसे लेने पड़ते थे उधार, तब जाके वो अपने माता पिता का या बच्चों का इलाज करा पाता था। आज नहीं ऐसा, आज नहीं ऐसा, आज बहुत अच्छी सुविधाएं हेल्थ सेक्टर में तो इतना सुंदर वातावरण बना दिया गया है जो आने वाले समय में पीढ़ियां याद रखेंगी। आपका आशीर्वाद बनाए रखना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आपका दिया हुआ लौटा रहा हूं, इस लाइक बनाए, सक्षम बनाया, बस यह याद रख जो मैं थारो हूं, उठे मेरा हो, पीएचडी की है, पढ़ा लिखा हो, हर परिस्थिति को देखिए नजदीक से, नजदीक से, और सड़कों पे संघर्ष करके इस मुकाम पे आए हैं। आज भी हाथों में स्टील की रोड़े हैं पुलिस के डंडों की। जब विदेश जाता हूं तो मेरे को अलग से खड़ा किया जाता है, तो बेटा आपका बोलता है युवराज कि पापा हमेशा आपको अलग से क्यों खड़ा करते हैं। मैंने कहा इस कड़ा चेन सब निकालने के बाद मेरे में एक आवाज आती है बीप की, बोले ये कहे के आती है। मैंने कहा संघर्ष का एक मेरे पे भी एक तमगा है कि पुलिस ने इतना भयंकर लाठीचार्ज किया था यूनिवर्सिटी के गेट पे छात्र आंदोलन में, 27 दिन बाद में होश आया था जो एसएमएस के रजिस्टर के अंदर आज भी लिखा होगा, और होश आते ही जेल भेज दिया गया, ये दिनेश को जेल गया मेरे साथ। और इसने मैं सच बता रहा हूँ, लोगों को नहीं पता इतनी सेवा की एसएमएस के अंदर, जब हम खुद के हाथ से खाना भी नहीं खा पाते थे, तो संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, इसलिए जाया नहीं होने देंगे इन चीजों को। किसी को विरासत में कोई चीज मिल जाती है तो वो जरूर उसको लगता है कि मेरा क्या विरासत में मिली है, या किसी को बाई चांस बाई लक मिल जाता है तब ये सोचता है कि मजबूरी के अंदर ये आदमी देगा ही देगा कहां जाएगा, लेकिन मैं पसंद बन के रहना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है, पसंद बन के रहना चाहता हूँ, आप लोगों की मजबूरी नहीं।